ये दोस्तों ये गड़बड़ों का त्यौहार बड़ी ही प्यार और मोहब्बत से यहाँ पर मनाया जाता है और हमारे घर में बहुत खुशियाँ लेकर के आता है। मेरे दोनों बच्चे और मेरी बीवी मिलकर साथ हम इस त्यौहार को मनाते हैं। बड़े ही खुशहाली का त्यौहार है ये और आप सभी मिलकर के इस त्यौहार को मनाएं और अपने बच्चों से आशीर्वाद पाएँ, घरवाली से आशीर्वाद पाएँ। घरवाली हमारे पैरों में माथा टेकती है, हम घरवाली के पैरों में और अपने बच्चों के पैरों में अगर माथा टेक लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात हो जाती है दोस्तों। और ये बात आप पुण्य खट लेते हैं दोस्तों, जैसे कन्या देवियों के लड़कियों का पूजन करके नवरात्रों में पैरों को हाथ लगाते हैं, उनके पैर धोते हैं, कई लोग तो उनके पैरों को जल पीते हैं जो धोया हुआ होता है, जो बहुत ही अच्छी बात होती है दोस्तों। उससे आपको पुण्य मिलता है, इस घर में कन्याएँ होती हैं, ठीक है जी। हालाँकि मेरे पास कन्याएँ नहीं, मेरे पास लड़के हैं दोनों और पत्नी है मेरी एक। माँ बाप मेरे इस दुनिया से विदा ले चुके हैं जी, लेकिन मैं प्यार से रहता हूँ अपने घर में, ठीक है जी। मेरे माँ बाप को भी मैं प्यार से रखता था, बहुत ही दुलार से रखता था। कभी कभार मुझे गुस्सा भी आ जाता था अपने माँ बाप के ऊपर, क्योंकि कई बार वो दिल दुखने वाली बात कह देते थे, लेकिन कई बार प्यार भी करते थे। मेरे बाप जो थे वो मेरी बीवी और बच्चों का बहुत प्यार करते थे, हालांकि मेरी माँ ने इतना प्यार नहीं करती थी मेरे बच्चों और मेरी बीवी का। लेकिन मेरा बाप जो था वो एक सरकारी अफसर था, वो मेरे बीवी और बच्चों का बहुत प्यार करता था दोस्तों। लेकिन मेरी माँ थोड़ी सी गुस्सैल थी और वो किसी को कुछ नहीं समझती थी। उसकी इसी हरकतों के चलते मैं यहाँ उससे बात नहीं करता था और ना वहाँ बात करता था। तो ये बातें बाद में करेंगे दोस्तों, पहले ये देखिए गड़बड़े कितने अच्छे जल रहे हैं यहाँ पर, बहुत ही अच्छे हैं। और बच्चों का ये त्यौहार है, देखिए कितनी रोशनी प्यारी लग रही है यहाँ पर। और इधर फिर वही देवी देवते आएंगे हमारे पास, ये देखिए जी हमारे आराध्य देव श्री शंकर जी आ गए हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं। नाग देवता जी हो गए और देवी देवते हो गए, ये देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे आशीर्वाद देने वाले सारे देवी देवते हैं ये। बाबा बालकनाथ जी हो गए हमारे और ये देखिए बहुत ही अच्छे देवी देवते, बहुत ही प्यारे आशीर्वाद देने वाले देवी देवते हैं दोस्तों। ये सब कुछ देते हैं अगर आप मन से मांगें, और अगर आप अपना मन साफ रखें तो आपको मांगने की भी ज़रूरत नहीं रह जाती दोस्तों। ये देवी देवते इन्हीं का दिया हुआ है सब कुछ, बच्चे पत्नियाँ बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप सबको पैदा करने वाले यही हैं, सबके माँ बाप यही हैं। लेकिन बंदा अगर मैं ना करे तो इनकी रजा में रहे तो बहुत ही सुख पाएगा और इनका नाम अपनी जुबान में 24 घंटे रखे तो ज़्यादा ही सहज हो जाएगा उसके लिए जीना। लेकिन आजकल लोग ऐसा करते नहीं हैं दोस्तों, इसी वजह से लोग दुख भोगते हैं। अगर हम अपने भगवान जी अपने बाबा जी को याद रख लें 24 घंटे अपने मन पर और अपनी जुबान पर उनका नाम रख लें तो क्या कहने दोस्तों, ये दुनिया स्वर्ग बन जाएगी दोस्तों, स्वर्ग। और इस स्वर्ग में रहना हमें पसंद होगा, लेकिन इस समय हम नरक में रह रहे हैं क्योंकि हम अपने भगवान जी बाबा जी का कभी स्मरण नहीं करते, उनको याद नहीं करते, दुख में याद करते हैं, सुख में याद नहीं करते। अगर हम अपने भगवान जी बाबा जी को सुख में याद कर लें दोस्तों तो हमारी ज़िंदगी चकाचौंध हो जाएगी। लेकिन पैसे की चकाचौंध से हमें फुर्सत मिले तब ना ये काम करेंगे हम। पैसे की चकाचौंध ने हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है दोस्तों। लेकिन मैं यही कहूँगा आप सबसे कि आप अपने भगवान जी बाबा जी का नाम 24 घंटे अपनी जुबान पर रखें और आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। और अगर आप अपना मन आप साफ रख लेते हैं दोस्तों, अगर आप अपना मन साफ रख लेते हैं तो बिन मांगे अपने भगवान जी बाबा जी आपको सब कुछ दे देंगे, जैसे मुझे दिया है दोस्तों। सबसे ज़्यादा मैं अपने भगवान जी बाबा जी को मानता हूँ, मेरे से ऊपर दुनिया पड़ी है। लेकिन फिर वही बात करूँगा कि मैं नहीं करना चाहिए और मैं करना ठीक भी नहीं होता दोस्तों, क्योंकि शिव शंकर जी विष्णु जी ये सारे देवी देवते 9 देवियाँ माताएँ सब हमारे साथ 24 घंटे खड़ी हैं, कोई ऐसी बात नहीं दोस्तों। और खुश रहती है वो देवी देवताएँ भी खुश रहते हैं बेचारे, और वो ठीक ठाक रहते हैं, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं। ये देखिए मेरे घर का माहौल है, तो बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ पर। ये देखिए मेरा बड़ा लड़का तो फ़ोन में ही व्यस्त रहता है सारा दिन। इधर देखो बेटे, इधर देखो 2 मिनट ऊपर, दोनों हाथ बाहर निकालो, इधर देखो पापा की तरफ, हूँ करता रहता है, ज़ोर से बोला कर थोड़ा बेटे। ये मेरी गंदी बच्ची है बहुत, और ये मोटी है हमारी सुनीता रानी आ चुकी है। इधर देखो सुनीता रानी मोटी है, ये भी खबरें लगाती है यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा। और अब चलते हैं अपने छोटे बच्चे की तरफ। किधर गया वो, किधर है वीरू, इधर आओ बेटे, इधर आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देखिए मेरा बच्चा है छोटा सा, बहुत प्यारा बच्चा है मेरा। ये ऊपर करो दोनों हाथों को, अंदर आओ अंदर आओ, वीडियो बनवाओ अपनी। इधर देखो वीरू, ओह मेरी बहुत गंदी बच्ची है भाई,
ओह ओह ये देखो इसको तो मसे लगाती है बहुत, ये देखो बहुत अशुभ बच्चा है मेरा, ये देखिए कितना प्यारा है, दोनों ही बच्चे मेरे बहुत प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा ही।